ओके ओके पढ़े कथा हो गया। बाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जीठा जी। कैसे हैं आप? आमी भालो अच्छे, आपने बोलूँ? ओह आप अभी तक बंगाली में ही बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मतलब कीजिए बंगाली में बात कीजिए, लेकिन कम से कम मेरा साथ तो हिंदी में बात कीजिए प्लीज। सॉरी जीठा जी, किंतु आमी आपने शायद हिंदी ते नहीं बांग्ला ते ही कथा बोल कथा बोल कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता जी, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज मेरे साथ हिंदी में बात कीजिए ना प्लीज। जीठा जी हमारे देरी हो चुकी, तो काज आछे हमारे, अभी अपने साथ पढ़े कथा बोलबो, ओके बाय सी यू। अरे बाप रे बबीता जी, ऐसे ही बंगाली में बात करते रहेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। बबीता जी। जीठा जी आपने? आपनी? अरे वाह, बंगाली में से सीधा सुरती गुजराती, आपनी? लेवनी तुम्हारे मटन लावलो छु, ये मैं आपके लिए ही लाया हूँ। क्या आमर जनो क्या? बबीता जी एक रिक्वेस्ट है, ये फूल दस्ते का स्वीकार कीजिए और प्रण लीजिए कि आप मेरे साथ सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। क्यों जीठा जी, मुझे भी मेरी मातृभाषा में बात करने का हक तो है ना। नहीं नहीं आप बोलिए, आप अपनी मातृभाषा में शौक से बोलिए, बंगाली में बोलिए, सबके साथ बोलिए, खाली मेरे साथ आप हिंदी में बात कीजिए प्लीज। सॉरी जीठा जी, पर देखिए ना, सबने मिलके ये डिसाइड किया कि सब अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी अपनी मातृभाषा में ही बात करूंगी, दैट्स इट। नहीं वो तो बराबर है बबीता जी, लेकिन अगर आप बंगाली में ही बात करेंगे तो मैं आपकी बात समझूंगा कैसे? तो आप बंगाली सीख जाओ ना। गाड़ी आप गुजराती सीख लीजिए ना बबीता जी, गुजराती बहुत ही आसान भाषा है, मैं आपको यूं सिखा दूंगा, फिर है ना हम दोनों मस्ती से जितनी मर्जी उतनी बातें कर सकेंगे। अभी देखे सबसे पहले तो वो आमने सामने वो हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं केम छो? मजा अम्मा। हाँ हाँ बबीता जी, आपका मुँह से गुजराती कितनी मीठी कितनी मधुर लगती है। क्यों आप तो पहले कहते थे कि मेरे मुँह से आपको बंगाली सुनना बहुत अच्छा लगता है, अभी आप ये कह रहे हो कि आपको गुजराती सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको अभी मेरे मुँह से बंगाली सुनना अच्छा नहीं लगता है? नहीं नहीं नहीं, आपके मुँह से बंगाली सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मैं बंगाली में बात ना करूं? नहीं नहीं वो क्या है, आप बंगाली में बात करते हैं ना तो सुनना इतना अच्छा लगता है, इतना मधुर लगता है, लेकिन आप जो बोलते हैं ना वो समझ में नहीं आता है, तो फिर हम बातचीत कैसे कर पाएंगे? इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ जीठा जी कि आप बंगाली सीख जाइए, फिर आप जितनी मर्जी मुझसे बात कीजिए, दैट्स इट। ठीक है चलिए, मैं बंगाली सीखने को तैयार हूँ, सिखाइए मुझे। ओके वैसे मुझे वो एक वाक्य आता है, वो बच्चन साहब के गाने में आता है ना, अमी तुम्हारे भालो वाशी। वाशी नहीं पाशी। पाशी जी, अमी तुम्हारे भालो वाशी। ठीक है बासी रखो, अमी तुम्हारे भालो वाशी। अरे यार भाई आइए आइए, निंगे अप्पा इतना तो निंगे मजा मा निंगे अप्पा इतना तो निंगे बोला ना मजा मा जलसा। जयडलाल मैंने यह नहीं पूछा कि तुम कैसा है। नहीं नहीं तो मैंने पूछा तुमने बबीता को क्या बोला। अच्छा वो हाँ, अमी तुम्हारे भालो वा, नहीं नहीं वाशी नहीं बासी, अमी तुम्हारे भालो बासी। अमी तो माँ के भालो बासी। हाँ अमी तो माँ के भालो बासी। हाँ जयडलाल इसका मतलब मालूम है तुमको? नहीं। इसका मतलब होता है आई लव यू। सॉरी सॉरी बबीता जी, सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके जीठा जी। बबीता आइया डोंट गेट सो हाइपर, मैं जीठा जी को बंगाली सिखा रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उनको अमिताभ बच्चन जी की मूवी का कोई सॉन्ग आता है आमी तुम्हारे भालोवाशी, तो बस वो मुझे वही कह रहे थे। लेकिन जयडलाल तुम बंगाली सीख कर क्या करेगा, सीखना है तो तमिल सीखो। छोड़ो ना मुझे बंगाली सीखनी है ना तमिल सीखनी है, मेरी मातृभाषा गुजराती है, मुझे आती भी है,
तो हवे थी हूँ गुजराती में ज बात करीश। आवजो। ना तमे नहीं आवता। आवजो पपिताजी। ओके थैंक यू।